दर्शकों, आप देख रहे हैं बदायूं मिरर और मैं आपके साथ तनिषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की 5 प्रमुख खबरों पर। संसद भवन में राहुल गांधी के बयान का पक्ष लेते हुए वाराणसी में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का बयान हिंदू विरोधी नहीं था, जनता के सामने उसको इस तरह से पेश किया गया कि वो हिंदू विरोध लगे। कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां धर्म से जुड़ी नगरी थी वहां उनको हार मिली है। कहा अयोध्या, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज जहां से प्रभु श्री राम गुजरे हैं वहां वहां इनको हार मिली है। बाबा विश्वनाथ ने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। अयोध्या हार के बाद वो लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे हैं, वहाँ के लोगों को गाली दे रहे हैं। हिंदू धर्म में हमेशा से सद्भावना की बात कही जाती है, मगर पीएम कभी भी किसी धर्म के नहीं हुए। वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, सभी धर्म के लोगों के विरोधी रहे। ये बात राहुल गांधी जी ने कही, उसको नहीं सुना और समझा गया। आप कौवा कान ले गया वाली स्टाइल में बात करते रहते हैं सारे लोग। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में हिंसा की छूट कहाँ है? हिंदू धर्म क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत के प्रधानमंत्री तो प्राणियों में दुर्भावना पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इनको सबक मतलब ये नहीं सीख पाए हैं, अगर तो कब सीखेंगे मुझे नहीं मालूम। अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, प्रयागराज हारे, श्रावस्ती हारे, कौशाम्बी हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, नासिक हारे, रामटेक हारे। हिंदुस्तान में सारी जगह जो धर्म से जुड़ी है, जहां से राम गुजरे हैं, भगवान श्री राम ने इनकी नियत पहचान ली और इनको हरा दिया, अयोध्या में हार गए। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स नीट यूजी के कथित धांधली के खिलाफ सोमवार को वाराणसी में परीक्षा करवाने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर NSUI और छात्र सभा प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गुरुधाम चौराहे के पास ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह आगे बढ़ गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका तो इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। आंदोलन करने पहुंचे नेताओं ने नीट परीक्षा के धांधली में शामिल सभी भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। NTA का तत्काल बैन कर देना चाहिए और नीट की हमारे दो सूत्र मांग है, NTA को अविलंबन बैन कर देना चाहिए। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और यूपी में जो है ये पेपर लीक का सबसे बड़ा कण हो गया। यूपी में आज के दिन, आज के दौर में छात्र हताश है और परेशान है। आज जो ये लड़के दिख रहे हैं सभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जो सोचना पड़ेगा संघ गंभीरता पूर्वक सरकार को, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हो। ठीक है, काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन कराया। प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक संपूर्ण विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें मुंडन, कर्ण भेद, गायत्री दीक्षा, उपनयन आदि का वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। श्री अन्नपूर्णा ऋषि कुल के यज्ञशाला में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजन किया गया। इस दौरान 500 बटुकों का उपनयन संस्कार हुआ। यज्ञोपवीति संस्कार की पारंपरिक रस्मों के अनुसार बटुकों ने अपने माता पिता सहित परिवारजनों से भिक्षा प्राप्त करने की, काशी के दौरे लगाने की रस्मों की निर्वाहन किया। सुबह 6:30-7 बजे से लगभग उपनयन संस्कार का कार्यक्रम शुरू हुआ और लगभग 12:30 बजे तक चला। उनको उपनयन के विषय में जानकारी दी गई, आखिर होता क्या है उपनयन संस्कार, जनेऊ क्या होता है, तो पूरा विधि विधान से कराया गया। इस समय भंडारा चल रहा है और लगभग यहाँ 12 से 13 प्रदेशों के बच्चे आए थे, जिन्होंने 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन करा के रखा था। ब्राह्मणों के बच्चे थे, उनका उपनयन संस्कार कराया गया है। लगभग संख्या 500 थी और उनके लिए अभी संगोष्ठी रखी गई है लगभग 4 बजे से, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्ण विद्यापीठ से संबंधित या काशी से संबंधित विद्वान आएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। और उपनयन का क्या महत्व है और आगे इसको कैसे पालन करना चाहिए और किसको कैसे धारण करना चाहिए, वो जो कुछ जानकारी है तो बहुत। शहर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित CTET परीक्षा में पुलिस ने 2 युवती समेत 4 सर्वरों को दबोचा। लंका थाना क्षेत्र अंतर्गत सनबीम स्कूल भगवानपुर में परीक्षा में कक्ष निरीक्षक के जांच के दौरान एक फर्जी महिला परीक्षार्थी को स्कूल प्रशासन ने पकड़ा और पुलिस को सूचना दी।
स्कूल प्रबंधन की पूछताछ में युवती किसी रीमा यादव के नाम की लड़की के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना नाम अर्चना पांडे निवासी हुसैनी पूर्वी चंपारण बिहार के रूप में हुई। चेतगंज स्थित आर महिला कॉलेज में परीक्षा के दौरान टिल्लू विश्वकर्मा की जगह उसके मामा का लड़का धर्मेंद्र विश्वकर्मी निवासी सैदपुर गाजीपुर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। वाराणसी में मच्छर जीनत बीमारियां खासकर डेंगू मलेरिया के प्रसार की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एडवाइजरी जारी की है। इसमें इन बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण व कार्रवाई के लिए मच्छरों के प्रजनन के संभावित स्रोतों को खत्म करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एंटी लार्वा छिड़काव फोंगिंग और ऑयल बॉक का उपयोग किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि 1 जुलाई से ही जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। तो ये थी आज बनारस की 5 मुख्य खबरें। कल मिलते हैं इसी वक्त शहर की अन्य 5 खबरों के साथ।